हजारों बार उसके बाद इतनी उस पर तह पड़ जाती है जिंदगी में, गर्दा पड़ जाता है उन चीज़ों पर, और फिर इमोशनल रिलेशनशिप और द ड्रामा और द कॉम्प्लिकेशन उसकी भी इतनी माइंड में वो नहीं होता। सिर्फ एक वो स्पिरिचुअल कनेक्शन रह जाता है कि पहली बार किसी के साथ के बैठ दुनिया थमी थी तो आपको लाइफ एंड यू वर टुगेदर, इट बिकम्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और वो स्पिरिचुअलिटी ऑफ लव इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट रिमेन्स। तो अगर अगर किसी चीज कॉन्सेप्ट में वही चीज सबसे अहमियत रखती है तो स्पिरिचुअलिटी को ऊपर है, बाकी सब चीज़ें नंबर है जरूरी है, वो तो प्यार में मिलते ही हैं, शरीर भी मिलता है और इमोशन तो दिल और दिमाग भी मिलता है, लेकिन वो प्यार मोहब्बत में वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, याद उसी की वजह से बनती है और ये याद उनकी है। और जब उस कनेक्शन उस लेवल पर कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसमें सेल्फिशनेस नहीं होता। लोकेशन की बात करें तो आपने लोकेशन पर बड़ा खूबसूरत लोकेशन कहाँ कहाँ, ये शिमला में कहानी बनाई है और मैं क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये लव स्टोरी है और मैंने एक्चुअली स्टोरी भी नहीं कहता, मैंने इसलिए इसका नाम रखा टेल। टेल क्या होती है, स्टोरी से अलग होती है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, स्टोरी में बिगिनिंग मिडिल एंड होता है, क्लाइमैक्स होता है। टेल क्या होती है कि वो अपनी